वहीं दूसरी ओर बीएसपी के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा बीएसपी के 7 आवासों में अवैध रूप से काबिज कब्जेधारियों से आवास खाली करवाकर रखरखाव कार्यालय और एलओटी को सौंपा गया। संपदा न्यायालय से पारित डिक्री के आधार पर मकानों को खाली करवाने कार्रवाई की गई। वहीं प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों द्वारा सेक्टर 6 में 12 अवैध कब्जेधारियों को मकानों को खाली करने नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि टाउनशिप क्षेत्र में मकानों के दलाल लोगों को गुमराह कर अपना मकान बताकर अवैध रूप से बीएसपी के आवासों को किराए पर देते हैं और रकम वसूलते हैं। ऐसे दलालों से सावधान रहने की अपील प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने की है। साथ ही कहा है कि बीएसपी कभी भी अपने मकानों को किराए पर नहीं देती, केवल कर्मियों को ही मकान अलाट किए जाते हैं। अवैध रूप से मकानों में निवासरत किराएदारों से मकानों को खाली करवाने निरंतर कार्रवाई किए जाने की बातें अधिकारियों ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।